कहते हैं कि कोई भी नए काम की शुरुआत करनी हो तो पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए और पुण्य के काम से करनी चाहिए। वही मोगा के जीरा रोड पर बाबा स्वर्णदास अपाहिज गौशाला में आज रोटरी क्लब मोगा रॉयल 2017-2018 के नए सत्र की शुरुआत गौशाला से हरा चारा डाल और वहां के निर्माण के लिए सभी रोटरी क्लब के मेंबरों ने मिलकर नगद राशि भी भेंट की। वहीं इस मौके पर क्लब के नए प्रधान राजेश गुप्ता ने बताया कि आज वो इस क्लब में अपने कार्यकाल की शुरुआत इस शुभ काम से करने जा रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने सबसे पहले अपाहिज गौशाला में क्लब के सदस्यों के साथ आकर सेवा की और जहाँ का हाल जाना। उन्होंने कहा कि उन्होंने कामना की कि वो इस क्लब के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भलाई के काम कर सके और वहीं इस मौके क्लब के सभी मेंबर भी मौजूद रहे। अपने टनोर की शुरुआत कर जा रहे हैं। ये टनोर की शुरुआत परमात्मा का नाम लैके गौ माता की सेवा वास्ते समर्पित है। एक जी गौशाला एक गौशाला अपाहिज गौशाला है, बाबा सरवनदास जी के नाम के उपर इनू स्थापित किया गया। इतने 125 तो लैके 150 पशुओं तक का इलाज किया जाता है। हर तरह के अपाहज गावों इतने लिया के उन्हों दवाइया उन्होंने सारा कुछ सप्लाई किया जाता है। यदि देखरेख जी है एक संस्था वालों की जा रही है। मैं रोटरी क्लब मोगा रॉयल वालों इस संस्था में विश्वास दवाना कि असी टाइम टू टाइम जो भी साड़ी बनती मदद है वो की जाऊगी और ये जरा नेक काम जो ये सेवा का काम जो ये गऊ माता जिदे के जिदा प्रताप है वो सेवा का जरा सब तो व्डा काम जरा इन्होंने बीड़ा उठाया है। साड़ी क्लब हमेशा इन्होंने नाल है। मोगा से हरपाल सिंह, जीवे पंजाब टीवी।